हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास सिक्स का इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलियाना द गेम। पॉलियाना विटियर एक छोटी अनाथ बच्ची है जो अपने आंट पॉली के साथ रहा करती है। वह एक खेल जिसका नाम हमेशा खुश रहो खेला करती है। पॉलियाना हर बुरी घटनाओं का अच्छा पहलू ढूंढा करती है और उनके बारे में सोचकर हर वक्त खुश रहने की कोशिश किया करती है। उसका यह हंसमुख और हर घड़ी हर बातों में खुश रहने वाला स्वभाव उसकी आंटी जो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी उनको भी बदल डाला। इस कहानी में पॉलियाना अपना यूनिक खेल हमेशा खुश रहो नैन्सी को बतलाती है। नैन्सी कौन है? नैन्सी एक हाउसकीपर थी। अजीब सा गेम होने के बावजूद नैन्सी फाइनली गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है। मिस पॉलियाना, व्हाट अ स्केयर यू गेव मी, पैंटेड नैन्सी, हरिंग अप टू द बिग रॉक डाउन व्हिच पॉलियाना हैड जस्ट स्लिड। स्केयर, रिप्लाइड पॉलियाना। ओह, आई एम सो सॉरी, बट यू मस्टंट एवर गेट स्केयर्ड अबाउट मी नैन्सी। फादर एंड द लेडीज एड यूज्ड टू गेट स्केयर्ड टू टिल दे फाउंड आई ऑलवेज केम बैक ऑल राइट, बट आई डिडंट इवन नो यू वुड गॉन, cried Nancy, tucking the little girl's hand under her arm and hurrying her down the hill. I didn't see you go, and nobody else did. I think you flew right up through the roof. I do, Pollyanna skipped gleefully. I did almost, only I flew down instead of up. I came down the tree. Nancy stopped short. You did what? Nancy डर के मारे उस बड़े पत्थर की ओर भागी, जिस पत्थर से Pollyanna फिसलते हुए नीचे आई। Nancy यह देख डर चुकी थी और हाँफ रही थी। तभी नैन्सी ने कहा, मिस पॉलियाना, आपने तो मुझे डरा ही दिया। इस बात पर पॉलियाना ने कहा कि ओह, मुझे माफ करिए नैन्सी, पर आप तो मुझे देखकर कभी नहीं डरा करती थी। हालांकि पहले पापा और महिला हेल्प सेंटर वाले भी मेरी हरकतें देखकर डर जाया करते थे, पर धीरे धीरे उन्हें विश्वास हो गया कि मैं हमेशा सही सलामत ही लौटूंगी। तभी नैन्सी ने कहा, मैं डर गई थी, कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो। ऐसा कहकर नैन्सी पॉलियाना का हाथ अपनी बाहों में दबा लिया और फिर नैन्सी पॉलियाना को अपने साथ लेकर पहाड़ों से नीचे जल्दी से उतरने लगी। नैन्सी ने कहा, मैंने तुम्हें देखा भी नहीं और मुझे लगता है किसी ने तुम्हें नहीं देखा होगा। तुम वहां कैसे पहुंची? मुझे लगता है तुम छत से उड़ते हुए डायरेक्ट वहां आ गई थी। इस बात पर पॉलियाना ने नैन्सी से कहा, सही कह रही हैं आप, मैं वहां पर उड़कर ही आई थी, बस ऊपर उड़ने की जगह नीचे उड़ते हुए आ गई। मैं पेड़ों से उड़ते हुए नीचे आई थी। नैन्सी सरप्राइज होकर बोली, क्या क्या, कहाँ से उड़कर आई थी? Came down the tree outside my window, my stars and stockings, gasped Nancy, hurrying on again. I would like to know what your aunt would say to that. Would you? Well, I will tell her then, so you can find out, promised the little girl cheerfully. Mercy, gasped Nancy. No, no. Why, you don't mean she would care? cried Pollyanna, plainly disturbed. No, yes, well, never mind. I do not really want to know what she would say, truly stammered Nancy, determined to keep one scolding from Pollyanna. But say, we'd better hurry. I have got to clean the dishes. You know, I will help, promised Pollyanna, promptly. Oh, Miss Pollyanna, protested Nancy. For a moment there was silence. The sky was darkening. ने जवाब दिया, मैं अपने रूम की खिड़की से बाहर जो पेड़ है उस पर कूदकर पेड़ के सहारे नीचे आई। नैन्सी ने यह सुनकर कहा, हे भगवान, अगर यह बात तुम्हारी आंट पॉली को पता चल जाएगी तब वो क्या कहेंगी? इस बात पर पॉलियाना ने नैन्सी से कहा कि अगर आपको आंट पॉली क्या कहेंगी यह जानने की इतनी ही इच्छा हो रही है तो मैं ही आंट पॉली को सारी बात बता देती हूँ, फिर खुद ही सुन लीजिएगा कि आंट पॉली क्या कहती हैं। पर नैन्सी ने पॉलियाना से कहा कि अरे नहीं नहीं नहीं, उन्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉलियाना ने नैन्सी से पूछा, तो आपको नहीं लगता कि आंट पॉली को कोई फ़र्क पड़ेगा? इस बात पर नैन्सी ने कहा कि अरे छोड़ो इस बात को, मुझे नहीं जानना कि आंट पॉली कैसे रिएक्ट करेंगी या क्या कहेंगी, हकलाते हुए नैन्सी ने कहा। और फिर कहा कि पॉलियाना, हमें थोड़ा जल्दी घर चलना चाहिए क्योंकि किचन में काफ़ी बर्तन पड़े हैं, मुझे उन्हें भी धोना है। ऐसा सुनते ही पॉलियाना ने कहा, मैं भी बर्तनों को धोने में आपकी मदद करूंगी। पर नैन्सी ने जवाब दिया कि बस कीजिए मिस पॉलियाना, आपको बर्तन धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर कुछ देर खामोशी सी छाई रही।
नैन्सी और पॉलियाना घर की ओर लौट रहे थे। पॉलियाना took a firmer hold of her friend's arm. I am glad after all that you did get scared a little, because then you came after me. She shivered. Poor little lamb, and you must be hungry too. I am afraid you will have bread and milk in the kitchen with me. Your aunt didn't like it because you didn't come down to supper, you know. But I couldn't. I was up here. Yes, but she didn't know that. You see, observed Nancy dryly. I'm sorry about the bread and milk. I am. Oh, I'm not. I'm glad. Glad? Why? Why? I like bread and milk, and I would like to eat with you. I don't see any trouble about being glad about that. You don't seem to see any trouble being glad about anything, retorted Nancy, choking a little as she remembered Pollyanna's brave attempts to like her bare little attic room. Pollyanna laughed softly. Well, that's the game, you know. Anyway, the game? Yes, the just being glad game. Whatever in the world are you talking about? Why it is a game? Father explained it to me and it's lovely, answered Pollyanna. धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। पॉलियाना ने नैन्सी की हथेलियों को कस के पकड़ लिया। पॉलियाना और नैन्सी जल्दी जल्दी घर की ओर लौट रहे थे। तभी पॉलियाना ने कहा कि चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कि आप मुझे देखकर डर गईं। चलिए, डर के कारण ही सही आप मेरे पास तो आईं। और तभी नैन्सी ने कहा, हे भगवान, बेचारी बच्ची, तुम्हें भूख लगी होगी ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें अब मेरे साथ किचन में बैठकर दूध ब्रेड खाना पड़ेगा। हालांकि तुम्हारी आंट पॉली को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि तुमने खुद ही शाम का नाश्ता मिस किया ना। पॉलियाना ने कहा, मैं क्या करती, मैं तो यहाँ पहाड़ों पर आई हुई थी। इस बात पर नैन्सी ने पॉलियाना से कहा कि चलो ठीक है, तुम पहाड़ों पर आई हुई थी, पर यह बात तुम्हारी आंट पॉली को तो नहीं ना पता है। तुम जान ही रही हो कि आंट पॉली कितनी स्ट्रिक्ट है। अब अफसोस, तुम्हें मेरे साथ दूध ब्रेड ही खाना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस बात पर पॉलियाना ने कहा कि शर्मिंदा क्यों, मुझे तो बहुत खुशी है। नैन्सी ने आश्चर्य से पूछा, खुशी? पर खुशी किस बात की? पॉलियाना ने जवाब दिया कि खुशी इस बात की है कि अब मुझे दूध ब्रेड खाने को मिलेगा, वो भी आपके साथ। मुझे आपके साथ दूध ब्रेड खाना बहुत पसंद है। मुझे तो इस बात पर खुश होने में कोई परेशानी नहीं है। चिढ़ते हुए नैन्सी ने कहा कि तुम्हें किसी भी बात पर खुश होने में कोई परेशानी नहीं है। पर यह कहते हुए नैन्सी को वह बात भी याद आ गई जब पॉलियाना नैन्सी का छोटा सा कंजस्टेड रूम भी देखकर खुश हो गई थी। पॉलियाना किसी भी बात पर खुश हो जाया करती थी। पॉलियाना नैन्सी की बात सुनकर मुस्कुराई और कही, यही तो गेम है जो मैं हमेशा खेला करती हूँ। नैन्सी ने पूछा, कौन सा गेम? पॉलियाना ने जवाब दिया, हमेशा खुश रहो गेम। नैन्सी ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। ये कैसा खेल है, हमेशा खुश रहो? इस तरह का भी कोई गेम होता है क्या? हाँ, होता है, पॉलियाना ने कहा। मेरे पापा ने मुझे यह खेल सिखाया था और मुझे यह खेलना बहुत पसंद है। We have played it always, ever since I was a little girl. I told the ladies aid and they played it. Well, some of them did. What is it? I am not much on games though. Pollyanna laughed again. But she shied too. In the gathering twilight, her face looked thin and wistful. Why? We began playing it with some crutches that came in a missionary box. Crutches? Yes. You see, I would wanted a doll and father had written for it too. But when the box came, the lady wrote that they hadn't any dolls, only little crutches. So, she sent them along as they might come in handy for some child sometime. And that's when we began to play it. Well, I must say, I can't see any game about that, declared Nancy, almost irritably. Oh yes, the game was just to find something about everything to be glad about. No matter what it was, rejoined Pollyanna earnestly. And we began right then on the crutches. Well, goodness me. I can't see anything to be glad about, getting a pair of crutches when you wanted a doll. Pollyanna clapped her hands. There is, she crowed, but I couldn't say it at first either, she added with quick honesty. Father had to tell me. मैं बहुत छोटी थी, तब से यह खेल खेलते आ रही हूँ। मैंने यह खेल महिला हेल्प सेंटर की औरतों को भी सिखाया था, और वो लोग भी यह खेल मेरे साथ खेला करती थीं। हाँ,
सारी नहीं लेकिन कुछ औरतें तो खेला ही करती थीं। नैन्सी ने पॉलियाना से पूछा, ये किस तरह का खेल है? वैसे मुझे खेलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये कौन सा खेल है, मैं भी तो जानूं। पॉलियाना का चेहरा खुशी से चमकने लगा और उसने नैन्सी को खेल के बारे में समझाना शुरू किया। इस खेल की शुरुआत तब हुई थी जब मिशनरी बॉक्स में मेरे लिए क्रचेस आए थे। क्रचेस? पर क्रचेस क्यों? नैन्सी ने पूछा। इस पर पॉलियाना ने जवाब दिया, हाँ वही तो, उसमें क्रचेस आए थे जबकि मैं डॉल एक्सपेक्ट कर रही थी। पापा ने भी डॉल के लिए ही लेटर लिखा था, पर पापा ने जिन्हें लेटर लिखा था उनके पास डॉल नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्रचेस ही भेज दिया ताकि वो क्रचेस किसी बच्चे के काम आ जाए, और उस वक्त से ही हमने यह गेम खेलना शुरू कर दिया। नैन्सी चिढ़ते हुए पॉलियाना से कही, मुझे नहीं समझ में आ रहा इसमें गेम क्या था। पॉलियाना ने तुरंत जवाब दिया, अरे यही तो गेम है कि तुम्हें हर चीज का अच्छा पहलू ढूंढना है, चाहे वो चीज कितनी ही बुरी क्यों ना हो। तभी नैन्सी ने पॉलियाना से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रही एक बात कि तुम्हें डॉल चाहिए था पर तुम्हें क्रचेस मिले थे, ये तो काफी बुरा हुआ ना, इसमें अच्छी बात क्या हुई? Then suppose you tell me, almost snapped Nancy. Goosey, why just be glad because you don't need them? Said Pollyanna triumphantly. You see, it's just as easy when you know how. Well, of all the queer things, breathed Nancy, regarding Pollyanna with almost fearful eyes. Oh, but it isn't queer. It's lovely, continued Pollyanna enthusiastically. And we have played it ever since. And the harder it is, the more fun it is to get them out. Only sometimes it's almost too hard. Like when your father goes to heaven and there isn't anybody but a lady's aid left. Yes, or when you are put in a sneaky little room at the top of the house with nothing in it, growled Nancy. Pollyanna sighed. That was a hard one at first, she admitted. Especially when I was feeling so lonely, I just didn't feel like playing the game. And I had been wanting to have pretty things so much. Then I remembered how I hated to see my freckles in the mirror. And I saw that lovely picture out of the window too. So then I knew I would found the things to be glad about. You see, when you are hunting for the glad things, you sort of forget the other kind like the doll you wanted. You know? पॉलियाना नैन्सी का सवाल सुन खुशी से ताली बजाने लगी और कहने लगी, अरे अच्छी बात हुई ना, शुरुआत में मुझे भी इसमें कोई अच्छी बात नहीं दिख रही थी, पर पापा ने मेरी मदद की उस घटना का अच्छा पहलू सोच पाने में। नैन्सी ने उत्सुकता से पूछा, हाँ तो क्या समझाया तुम्हारे पापा ने? पॉलियाना ने जवाब दिया, अरे अच्छी बात उस घटना की यह थी कि जो मुझे चाहिए ही नहीं था वो मुझे मिल गया, और यह कितनी खुशी की बात है। देखा, यह गेम बहुत आसान है खेलना, अगर आप सीख जाओ तो। नैन्सी को पॉलियाना की ये सारी बातें बकवास लग रही थीं। पॉलियाना ने नैन्सी को समझाया कि यह बकवास गेम नहीं जबकि बहुत अच्छा गेम है, और ये गेम मैं हमेशा से खेलते आ रही हूँ। जितना मुश्किल सिचुएशन होता है यह खेल खेलने में उतना ही मजा आता है। हाँ, पर कभी कभी सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है और उस वक्त यह गेम खेलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि उस दिन गेम खेलना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई थी। पापा हमेशा मेरे साथ यह गेम खेला करते थे, पर उस दिन मेरे साथ यह गेम खेलने को कोई नहीं था और कोई मेरी हेल्प भी नहीं कर पा रहा था उस गेम को खेलने में। हाँ, कुछ औरतें थी मेरे साथ, महिला हेल्प सेंटर वाली, पर तभी भी काफ़ी मुश्किल सिचुएशन था मेरे लिए। पापा के चले जाने के बाद मैं काफ़ी अकेला फील करती थी और यह गेम खेलने का बिल्कुल मन नहीं करता था। मैं फिर से डॉल जैसी सुंदर चीज़ें चाहने लगी थी और काफ़ी दुखी रहने लगी थी, और चेहरे पर दुख के कारण झुर्रियाँ न पड़ने लगे, इस कारण से मैंने दुखी रहना छोड़ दिया और खिड़की के बाहर वादियों की खूबसूरती देखकर मैंने यह गेम फिर से हमेशा खेलने का डिसाइड किया। मैंने यह गेम खेलकर यह भी नोटिस किया कि हर चीज़ का अच्छा पहलू खोजते खोजते आप बुरे पहलू के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, जैसे कि डॉल के बारे में मैंने सोचना ही छोड़ दिया। तभी नैन्सी ने कहा, मैं समझ गई तुम्हारा खेल, इसलिए उस दिन मेरे छोटे से कंजस्टेड रूम को भी देखकर तुम काफ़ी खुश हो गई थी जबकि उसमें खुश होने वाली कोई भी चीज़ नहीं थी। चोक नैन्सी ट्राइंग टू स्वेलो द लंप इन हर थ्रोट। Generally, it doesn't take so long, sighed Pollyanna.
And lots of times now I just think of them without thinking. You know, I have got so used to playing it. It's a lovely game. F father, and I used to like it so much. She faltered. I suppose, though, it will be a little harder now, as long as I haven't anybody to play it with. Maybe Aunt Polly will play it though, she added, as an afterthought. My stars and stockings, huh? Breathed Nancy, behind her teeth. Then she said aloud, see here, Miss Pollyanna, I'm not saying that I will play it very well, and I'm not saying that I know how to play it anyway, but I will play it with you. I will. Oh, Nancy, cried Pollyanna, giving her a tight hug. That will be splendid. Won't we have fun? Maybe, conceded Nancy, clearly in doubt. But you mustn't count too much on me. You know, I never was good at games, but I'm going to try hard on this one. You are going to have someone to play it with, anyhow, she finished as they entered the kitchen together. Pollyanna ate her bread and milk with good appetite. Then, at Nancy's suggestion, she went into the sitting room where her aunt sat reading. Aunt Polly looked up coldly. Nancy ne Pollyanna ki baat sun lambi saansein li aur Pollyanna ke liye sorry feel kiya. पॉलियाना कंटिन्यूसली अपने गेम के बारे में बता रही थी कि इस गेम को खेलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और अब तो मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ इस खेल में कि झट से मैं किसी भी चीज़ का अच्छा पहलू ढूंढ लेती हूँ। यह बहुत मज़ेदार गेम है। पापा और मैं हम दोनों इस गेम को काफ़ी पसंद किया करते थे, हालांकि अब यह खेलना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि अब मेरे साथ यह गेम खेलने के लिए पापा नहीं है और कोई भी नहीं है मेरे साथ यह गेम खेलने के लिए। शायद आंट पॉली गेम खेले मेरे साथ। नैन्सी पॉलियाना के लिए बहुत सॉरी फील कर रही थी। तभी अचानक नैन्सी बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं मिस पॉलियाना, आंट पॉली को छोड़ो, मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ यह खेल। हालांकि मैं ये तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ कि मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं बहुत अच्छा खेलूंगी और मुझे शायद ठीक से खेलना भी नहीं आता, पर मैं पक्का यह गेम तुम्हारे साथ खेलूंगी, पॉलियाना ने कहा। ओ नैन्सी, और कस के नैन्सी को हग कर लिया। नैन्सी ने कहा, खेल तो लूंगी पर मुझसे ज्यादा अच्छा खेलने की उम्मीद न रखना क्योंकि मुझे कोई भी गेम खेलना पसंद नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। वैसे भी तुम्हें कोई भी तो चाहिए खेलने के लिए। और फाइनली बात करते करते दोनों किचन में पहुंच गए। पॉलियाना ने पेट भर के दूध ब्रेड खाया। उसके बाद नैन्सी के सलाह के अनुसार पॉलियाना सिटिंग रूम में गई जहां उसकी आंट पॉली बैठकर किताबें पढ़ रही। You had your supper, Pollyanna? Yes, Aunt Polly. I am very sorry, Pollyanna, to have to send you into the kitchen to eat bread and milk. But I was real glad you did, Aunt Polly. I like bread and milk, and Nancy too. You mustn't feel bad about that one bit. Aunt Polly suddenly sat a little more upright in her chair. Pollyanna, it's quite time you were in bed. You had a hard day, and tomorrow we must plan your hours and go over your clothing to see what is necessary to get for you. Nancy will give you a candle. Be careful how you carry it. Breakfast will be at 7:30. See that you are on time. Good night. Aunt Polly गुस्से से Pollyanna को देखी और पूछी, क्या तुमने शाम का नाश्ता किया? Pollyanna ने कहा, हाँ मैंने कर लिया। Aunt Polly ने Pollyanna से कहा, मुझे माफ़ करना Pollyanna, मुझे तुम्हें किचन में दूध ब्रेड खाने को भेजना पड़ा। उस पर Pollyanna ने कहा, अरे नहीं आंटी, मुझे वो बहुत खुशी हुई जो आपने ऐसा किया। मुझे दूध ब्रेड बहुत पसंद है और मुझे नैन्सी भी बहुत पसंद है। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। आंट पॉली आश्चर्य से Pollyanna की बात सुन रही थी। आंट पॉली ने फिर Pollyanna से कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हें काफ़ी देर तक अपने रूम में बंद रहना पड़ा। काफ़ी मुश्किल दिन गुजरा होगा तुम्हारे लिए, पर कल तुम्हारा टाइम टेबल प्लान कर लिया जाएगा और तुम्हारे लिए ज़रूरत के कपड़े भी इंतज़ाम कर लिए जाएंगे। नैन्सी तुम्हें एक कैंडल भी दे देगी, ध्यान से इस्तेमाल करना उसका। ब्रेकफास्ट के लिए सुबह 7:30 आना और टाइम पर आना। चलो अब गुड नाइट। As was her habit, Pollyanna came to her aunt's side and gave her an affectionate hug. I have had such a beautiful time so far. She sighed happily. I know I am going to just love living with you, but then I knew I would be happy here before I came. Good night, she called cheerfully as she ran from the room. Well upon my soul, exclaimed Miss Polly, half aloud.
She is glad I punished her, and I mustn't feel bad one bit. And she is going to love to live with me. Well, upon my soul, what a most extraordinary child. Pollyanna अपनी हरकतों से बाज कहाँ आने वाली थी? उसने जोर से आंट पॉली को हग कर लिया और कहने लगी, आंटी मैं बहुत खुश हूँ जब से यहाँ आई हूँ। मुझे पता है मैं काफी एंजॉय करूंगी आप लोगों के साथ। हालांकि मैं यहाँ आने से पहले भी एंजॉय ही कर रही थी। जो भी हो, उसने फिर खुशी से गुड नाइट विश किया और अपने रूम में चली गई। आंट पॉली पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि आखिर हुआ क्या, ये लड़की ऐसा क्यों कहकर गई। मैंने उसे इतना पनिशमेंट दिया और मुझे तब बुरा भी नहीं लगा उसे पनिशमेंट देने में, पर पॉलियाना तो काफी एंजॉय कर रही है और काफी खुश है, और यहाँ तक कि यह भी कह रही है कि मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। हे भगवान, कैसी अजीब है ये कहानी। एलियनोर एच पॉटर के द्वारा लिखी गई है। बच्चों, इसी तरह से चैप्टर कम्प्लीट होता है। अगर चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक करें। वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा, प्लीज़ बच्चों आप कमेंट के थ्रू मुझे बताएं, ताकि वीडियो को और इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।